नशे के व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने कमर कसते हुए शिकंजा कस लिया है और पुलिस ने 3 महीने के दौरान 31 मामले मादक अधिनियम के तहत दर्ज किए हैं और 37 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। ताजा मामले में हमीरपुर पुलिस ने प्रताप नगर के पास से 2 युवकों को 11.25 ग्राम और 6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एएसपी बलवीर ठाकुर ने कहा कि दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि हमीरपुर के प्रताप नगर में पिछले कुछ महीनों से नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और पिछले 1 महीने से प्रताप नगर में ही चौथी बार स्मैक पकड़ी गई है। प्रताप नगर में ज्यादातर युवाओं के लिए लोगों ने क्वार्टर दे रखे हैं और ऐसे में युवाओं के लिए क्वार्टर में नशे का व्यापार चलाना आसान बना हुआ है, लेकिन अब पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने कार्तिक शर्मा उम्र 20 साल निवासी गांव तकोट्टा भोरंस और राहुल ठाकुर उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 4 शिवनगर के पास से स्मैक बरामद की है। एएसपी बलवीर ठाकुर ने बताया कि दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ जो लोकल लड़के हैं वो भी थोड़े थोड़े मात्रा में जो नशीले पदार्थ हैं उनको आगे पीछे बेचने का काम करते हैं। तो इसमें एक लड़का राहुल है, कार्तिक है, दोनों ही हमीरपुर जिला के निवासी हैं। इनसे हमने स्मैक बरामद की थी जो छोटी छोटी कुड़ियों में डाल के अपने पास रखते हैं और इस तरीके से ये जो नौजवान लड़के हैं उनको ये जो नशीले पदार्थ हैं उनको बेचने की फिराक में रहते हैं। तो एक से लगभग 7-8 ग्राम स्मैक एक के पास मिली है और एक के पास 12-14 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई है। तो इन लोगों को हिरासत में ले लिया है और कोर्ट में इनको पेश करके आगे इनका रिमांड लेंगे और इनसे पता करेंगे कि किस तरीके से ये नशे के कारोबार में और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कहां से ये नशीले पदार्थ खरीद के लाते हैं और इनका जो नेटवर्क है वो कितना फैला हुआ है। हम लगातार इसमें कामयाब हो रहे हैं और इस वर्ष जो मादक पदार्थ अधिनियम में हमने जो केस रजिस्टर किए हैं 31 केस अभी तक हम रजिस्टर करने में कामयाब हुए हैं जिला हमीरपुर पुलिस, और इसमें 37 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और इसमें एक लड़की भी इनमें शामिल थी। तो इस तरीके से जो नौजवान लोग और बाकी भी जो ड्रग पैडलर हैं, ड्रग स्मगलर हैं, उनके विरुद्ध हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनसे इनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को हम पकड़ के इनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकती है वो करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय के माध्यम से दिलाएं। और लगातार ये प्रयास जिला पुलिस हमीरपुर कर रही है कि लोगों को सचेत किया जाए। हम लगातार स्कूलों कॉलेजेस में विजिट करते हैं और पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को इसमें लगातार हम अवेयर कर रहे हैं कि जो नशे का जो कारोबार है या नशे की समस्या है किस तरीके से लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनका जो फ्यूचर है उसको ये बर्बाद कर रहे हैं।